दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस प्रकार आप सभी लोग जानते हैं कि मैं 28 के 28 नक्षत्र पर एक एक वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें जो भी रिसर्च है वो सब आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। नक्षत्र का कार्य हमारे जीवन में क्या होता है? नक्षत्र का कार्य हमारे जीवन में ये होता है कि अगर हमें कोई काम, किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होता है? नक्षत्र देखकर करना होता है। अगर हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं और शुभ नक्षत्र वाली ऊर्जा में ही अगर उस कार्य को हम संपन्न करते हैं तो वे कार्य हमारा बहुत अच्छे से होता है। और अगर हम कोई लड़ाई झगड़ा करना या कोई अशुभ कार्य करने जा रहे हैं तो हम ऐसे नक्षत्रों का इंतजार करते हैं जो इस प्रकार की ऊर्जा को लिए हुए होते हैं। तो ये मेन काम होता है हमारे जीवन में नक्षत्र का। तो आज हम लोग बात करेंगे पुष्य नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा क्या है। तो अगर हम पृथ्वी से ब्रह्मांड की ओर देखते हैं, अंतरिक्ष की ओर देखते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको तीन तारों का एक समूह मंडल में पाया और इसका जो आकार नीचे से देखने में हमें दिखाई दिया, उनको दिखाई दिया, वो किस प्रकार का था? जैसे गाय के थन। तो उसका ये सिंबल है। अब इस पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा किससे जुड़ी हुई है? पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा जुड़ी हुई है गुरुदेव बृहस्पति के साथ। गुरुदेव बृहस्पति के साथ जुड़ी हुई है। हर नक्षत्र में चार चरण होते हैं, तो ये चारों के चारों चरण कर्क राशि में हैं। तो इनको कर्क राशि से ऊर्जा किसकी मिलती है? चंद्रमा की। और इस पूरे ग्रह को, इस पूरे नक्षत्र को कौन सा ग्रह रूल करता है? वो है शनि। तो इस प्रकार से आपको तीन ग्रहों की ऊर्जा मिलती है, बृहस्पति देव की, शनि की और उसकी चंद्रमा की। तो इस प्रकार से ये टोटल नक्षत्र की ऊर्जा हुई। अब इस नक्षत्र का मतलब क्या है? देखिए, ये जो है, ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र का जो मेन पॉइंट है, अगर आप उसे समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। ये बहुत ही पवित्र नक्षत्र है और नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। नक्षत्रों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की सारी पॉजिटिव ऊर्जा इस नक्षत्र के साथ होती है। इस नक्षत्र वाले जातक बहुत मेहनती होते हैं, उनको जीवन में बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर उनको कोई भी काम करने के लिए दिया जाता है तो उसको पूरी तरीके से पूरा करने के बाद ही वो वापस आते हैं। ये धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत बड़े धार्मिक लोग हैं। इनके जो विचार हैं वो ईश्वर को मानने वाले हैं, अपनी संस्कृति को मानने वाले हैं, अपने संस्कार को मानने वाले हैं। इस तरीके का इनका नेचर होता है। किस प्रकार का? गुरु बृहस्पति वाला नेचर होता है इनका टोटल। पढ़ने में देखिए, ये अलग अलग टाइप की बात होती है। इनकी जो रुचि है वो पढ़ने में होती है। इनका जो मेन काम होता है वो क्या है? सलाह देना। इनका मेन काम सलाह देना होता है। टीचिंग की जॉब में बहुत अच्छे होते हैं। कुल मिलाकर जो नक्षत्र की ऊर्जा है वो बृहस्पति से रूल हो रही है। बृहस्पति की टोटल पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। शनि इसको रूल करने वाला ग्रह है और चंद्रमा इसके मन का कारक है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग इमोशनल भी होंगे और डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होंगे। कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते, कभी इलीगल एक्टिविटीज में ये लोग संलग्न नहीं होते। तो ये सब इनकी पॉजिटिव बातें हैं। अब अगर मान लीजिए कुछ नेगेटिव बातें हैं, अगर मैं आपको इनकी बताना चाहूं तो उसमें क्या है, ये इमोशनल होते हैं। कोई भी कार्य, जैसे आपका घर की जिम्मेदारी है, दूसरों की हेल्प करने का कार्य, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं। अपने 100 काम छोड़ के सामने वाले का कार्य करके आएंगे। तो ये इनकी एक नेगेटिव बात भी है कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है और पता चला कि वो आपकी बहन है, आपके भाई हैं,
तो क्या होता है कि जो रिलेटिव होते हैं सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे छोड़ के चले जाते हैं। अब ये जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, करते हैं, निभाते हैं, लेकिन उससे इनकी खुद की फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो इस तरीके का इनके कुछ नेगेटिव पक्ष भी हैं। अब बात करेंगे पुष्य नक्षत्र का मतलब क्या है, पुष्य नक्षत्र की शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। तो ये नक्षत्र है पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला। देखिए गाय के थन इसके साथ जोड़े गए हैं, वो हमें क्या देती है, गाय हमें क्या देती है, दूध देती है। और जितनी भी तरीके का जो पौष्टिक पदार्थ, मतलब दूध को एक पूर्ण आहार भी माना जाता है, तो उससे भी आप इसको देख के समझ सकते हैं। इनका मेन काम है पोषण करना, पालन करना, आगे बढ़ाना लोगों को। ये सारी इनकी पॉजिटिव ताकत है पुष्य नक्षत्र की। अब इस नक्षत्र का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब हमें कौन से काम इसमें करने चाहिए, कौन से काम इसमें नहीं करने चाहिए, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए पुष्य नक्षत्र का, जैसे मैंने बोला नक्षत्रों का राजा इसको बोला जाता है। तो जब भी कभी आपको गोल्ड खरीदना हो, जब भी कभी आपको गोल्ड खरीदना है या कोई जेवर खरीदना है, किसी मकान की नींव रखनी है, नए मकान में प्रवेश करना है, कोई ऐसा कार्य करना है जो आपको लॉन्ग टर्म तक समृद्धि देता रहे, क्योंकि ये समृद्धि का, खुशी का नक्षत्र है, क्योंकि बृहस्पति देव की सारी पॉजिटिव एनर्जी इस नक्षत्र के साथ है। तो हमें इस तरीके के जितने भी काम है, मकान बनाना, कोई फैक्ट्री बनाना, इस तरीके के नक्षत्रों में ये कार्य किए जाते हैं। आपको किसी शुभ कार्य के लिए निकलना है तो भी आप इसको पुष्य नक्षत्र में जा सकते हैं। अब बहुत से ऐसे भी काम है जो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो वो काम कौन से है जी, सबसे पहले विवाह का कार्य इसके अंदर वर्जित है। कुछ भी हो जाए, जब भी हम विवाह करते हैं तो हम पुष्य नक्षत्र को अवॉइड करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं कि इसके अंदर हमें नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जब पुष्य नक्षत्र आता है हमारा और हम पुष्य नक्षत्र के जातक है मान लीजिए, तो अगर आपको मैं इसकी एक बहुत डीप बात बताऊं तो वो ये है कि इस नक्षत्र में शत्रु पक्ष आप पर कभी भी हावी नहीं हो सकता। अब पुष्य नक्षत्र आता है और आपको कुछ कानूनी कार्य इस प्रकार का करना है कि हमें ऐसी फाइल मतलब कोर्ट में लगानी है कि जिससे सामने वाला पक्ष हार जाए, तो आपको पुष्य नक्षत्र में ही ये कार्य करना है। तो ये कुछ काम हुए जो इसमें करने हैं और कुछ काम ऐसे हुए जो इसमें नहीं करने हैं। अब हम धीरे धीरे नक्षत्र के अंदर चलते हैं और जब हम नक्षत्र के अंदर चलते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की चीजें उसमें देखने को मिलती हैं और हर तरीके की ऊर्जा हमें पता चलती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि इसको रूल कौन करते हैं, गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की सारी पॉजिटिव एनर्जी इस नक्षत्र को गिफ्ट में मिली हुई है। अब बात करते हैं इसका सिंबल क्या है। तो देखिए आप देखिए गाय का थन मतलब पोषण से जुड़ा हुआ कार्य, जिस प्रकार से अभी हम पुनर्वसु नक्षत्र से आए, सृजन का कार्य हुआ, लेकिन यहां पर गुरुदेव बृहस्पति क्या है, हमारे शरीर में जीव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीवन को ऊर्जा देने का नक्षत्र किसका है, यह आपका पुष्य नक्षत्र है, जो हमें पुष्ट करता है, हस्त पुष्ट करता है, वो हमारा क्या है, पुष्य नक्षत्र है। अब इसके साथ गाय के थन क्यों जोड़े गए, क्योंकि दूध को हमारे यहां अमृत के रूप में लिया जाता है, तो दूध एक पूर्ण आहार है और ये कार्य गाय बखूबी करती है, इसलिए इसका सिंबल गाय के थन को लिया गया है। अब बात करते हैं इसके साथ ग्रह कौन से जुड़े हुए हैं। मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि इसके साथ जुड़े हुए हैं सैटर्न, शनिदेव महाराज इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब शनि की एनर्जी, शनि की ऊर्जा जब इस नक्षत्र को मिलती है तो वो इसके अंदर क्या पॉजिटिव बदलाव लेकर आती है, इन लोगों को अनुशासित बनाती है। शनि के द्वारा क्या होता है, आपके जीवन में अनुशासन आता है और आपके जीवन में जो संघर्ष आते हैं वो भी शनिदेव महाराज की वजह से ही आते हैं। तो इन लोगों का जीवन बहुत संघर्ष में होता है, छोटी छोटी सी बातों के लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ता है। अब बीच में शनि आ गए हैं और संघर्ष आपके जीवन को देते हैं, आगे बढ़ना है, इनका पुरुषार्थ कौन सा है। तो देखिए जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
ये हमारे चार पुरुषार्थ होते हैं। तो इसमें किस चीज से जोड़ा गया है इस पुरुषार्थ को, इस पुरुषार्थ को जोड़ा गया है आपके धर्म से, और धर्म का पालन कराने का अधिकार किसका है, शनि का, और ऊर्जा किसकी है, बृहस्पति देव की, और मन के बारे में अभी चर्चा करेंगे। इनका गण कौन सा, इनका गण है देव। इनके पास कोई भी व्यक्ति आता है ये उसकी इच्छा पूरी करते हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति इनके पास कोई काम लेकर आ गया कि आज हमारे घर में फंक्शन है, आपको ये दायित्व दिया जाता है, तो ये दायित्व निभाने में लग जाते हैं। मतलब कभी भी ये नहीं सोचते कि मुझे अपना भी कुछ काम करना है, अपने समय का दान उसको दे देते हैं और उसके कार्य में लग जाते हैं इतनी तल्लीनता के साथ। इसलिए इन लोगों को मैंने क्या बोला, अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं। अगर उस दायित्व को निभाने में इनको कोई कष्ट भी होता है ना, तो कभी भी अपने चेहरे से उसको जाहिर नहीं करते, अपने मन से जाहिर नहीं करते, तो ये इनका देव गुण है। अब देखिए बात करेंगे इनका वर्ण कौन सा है, क्षत्रिय। इसका मतलब क्या है कि जब अभी आपको देव वर्ण या वर्ण दिया गया क्षत्रिय, मतलब हर समय लड़ने को तैयार। इनके अंदर जब इनका मन खराब होता है तो क्या होता है इनके साथ, प्रॉब्लम्स क्या है, मन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम इनके साथ होती है। अब इन्हें कोई जरा सा भी छेड़ दे तो क्या होगा, लड़ने को आ जाएंगे। इसके साथ साथ क्या है, गुरुदेव बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु, और जब भी उनके ऊपर कोई आक्रमण होता है, कुछ भी किसी भी टाइप की नेगेटिव बात आती है देवताओं के ऊपर, तो जितने भी लड़ने से संबंधित कार्य है वो बृहस्पति देव अपने इस रूप में आके उनको समझाते हैं कि आप क्षत्रिय बन के लड़िए और हिम्मत से कार्य कीजिए। तो ये लोग हिम्मती भी होते हैं, लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, और अपनी ऊर्जा, मतलब जैसे क्षत्रिय का कार्य है क्या, सब लोगों की रक्षा करना, तो सबकी रक्षा के लिए भी ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। अब देखिए बात करते हैं एलिमेंट की, तो इनके साथ एलिमेंट कौन सा लगाया गया है, वाटर एलिमेंट, जल तत्व, और ये इसमें कर्क राशि में चंद्रमा की राशि है, आपको मैं बता चुका हूं। तो मन का और जल का बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है। अब इस तत्व के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है कि इमोशनल बहुत होते हैं लोग, जरा जरा सी बातों को सोचते नहीं है और सारी बातें अपनी मन में ही रखते हैं, ये इनकी कमजोरी भी है। और अगर आप कोई भी बात किसी से कहेंगे नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका मन खराब रहने लगेगा। तो आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपने मन की बात कहिए जरूर दूसरे से, नहीं तो क्या होगा, आपकी हेल्थ पर भी प्रभाव आ जाएगा। अब बात करेंगे देखिए त्रिमूर्ति की, तो जिस तरीके से पालनहार है ये, पोषण का नक्षत्र है, जीव को जीवात्मा देता, जीव को पौष्टिकता देता है, जीव को आगे बढ़ाने में पोषण देता है, तो वही सारा कार्य किसका है, विष्णु भगवान का है। तो ये रूप है इनका जिसमें इनको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। अब देखिए इनके साथ एनिमल कौन सा जोड़ा गया है, मेल गोट इसके साथ जोड़ा गया है, बकरी को। अब उसके बाद वर्ड देखते हैं इसका क्या है, तो ये एक कौवे को, अब कौवा किसका रूप है, शनि का रूप है, तो सारी चीजें आपको वहीं से वहीं रिलेट होती रहेंगी, तो ये जोड़ा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं ट्री की, इसके साथ ट्री कौन सा जोड़ा गया, इसके साथ ट्री जोड़ा गया पीपल का वृक्ष, हर समय ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला ये पीपल का पेड़ है जो इसके साथ एसोसिएट किया गया है। और अब बात करेंगे हम इसके अलावा साउंड की, तो इसमें साउंड कौन कौन सी आ रही है, हो हे हो और द, ये साउंड है। और साउंड का मतलब यह कि अगर आपका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको क्या करना है कि अगर आप इन्हीं शब्दों पर, सॉरी इन्हीं अक्षरों पर अगर आप अपना नाम रखते हैं तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, इसलिए ये। और इस साउंड का अगर वाइब्रेशन, अगर आप वाइब्रेशन वाला मेडिटेशन करते हैं तो भी इस नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलती है। इससे आगे बढ़ते हैं हेल्थ, देखिए इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी अगर आप देखोगे बचपन में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पक्षघात की समस्या आ गई, या आप ये समझेंगे ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूं ये थोड़ा बचपन में आप देखना, मन से संबंधित प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसा इनके साथ हो गया, वो सब चंद्रमा से रिलेटेड चीजें जितनी भी आपकी हैं वो सब का सब इसके अंदर आता है। बचपन से ही संघर्ष है
और अचानक मौसम चेंज हुआ, कुछ हुआ, तो इनके ऊपर इसका असर आता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं तो ये स्ट्रांग होते चले जाते हैं, फिर ये बीमार भी कम रहते हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी पूरा रखते हैं। लेकिन समस्या इनके साथ क्या है, इनके साथ जितने भी रोगों की समस्या है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, इनके मन के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर ये अपने मन को पॉजिटिव रखें, वैसे ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं, ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं, क्योंकि मंत्र का उच्चारण, मंत्रों को बनाना, सिस्टम सब किसके अधीन है, बृहस्पति देव के अधीन है। तो ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं, हर चीज में भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी यदि इनका मन थोड़ा खराब होगा तो वो बीमारी का कारक होगा। इसलिए इन लोगों को मेडिटेशन देने करने की सलाह मैं जरूर देता हूं। आगे बढ़ते हैं मैरिज के लिए। तो देखिए, एक चीज वीडियो में बतानी रह गई कि ये लोग दिखने में कैसे होते हैं, तो सबसे पहले पुरुषों की बात करते हैं। तो देखिए, ये मध्यम कटकाठी के लोग होते हैं और इनका जो फिगर, मतलब जो शरीर है, उसमें सीना अच्छा चौड़ा होता है, देखने में बढ़िया होते हैं और इनके पास दम, मतलब जिसे कहते हैं ना पोटेंशियल, बहुत ज्यादा होता है। ऊर्जा, वैसी ऊर्जा नहीं, मतलब शारीरिक ऊर्जा इनके पास ज्यादा होती है। तो ये इस तरीके के पुरुष होंगे। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो उसमें चंद्रमा की सारी क्वालिटी होंगी, देखने में सुंदर होंगी, इमोशनल होंगी और उनका जो फिजिक, उनका जो फिगर होगा वो बहुत अलग टाइप का, बहुत सुंदर, मतलब दूर से ही आप देखोगे कोई भी तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत सुंदर स्त्री जा रही है। तो इस तरीके की एनर्जी ये लोग लिए हुए होते हैं। इसमें गुरु बृहस्पति का पूरा रोल होता है और सबसे बड़ा रोल किसका है, चंद्रमा का रोल है। और जहां चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसे लोग सुंदर भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। अब बात करते हैं इनकी मैरिज की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लोग संस्कारी होते हैं, अपनी बात को आसानी से किसी से कहने वाले नहीं होते हैं। और एक चीज इनके साथ ये होती है, इनकी मैरिज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, मतलब एक टांग पर चलने वाली चीज वही निभाता रहेगा, जिसका पुष्य नक्षत्र है ना, शादी बस उसी के कंधों पर चलती है। कारण क्या है, इनका स्पाउस क्या है, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाएगा। भागने का मतलब सारी जिम्मेदारी, कमी हो गई तो आपने कर दी, अच्छा हो गया तो उसने कर दिया। तो इस तरीके की टेंडेंसी होती है। अब इन लोगों को पैसा भी खुद ही कमाना है, मतलब इस टाइप की ये टेंडेंसी लिए हुए हैं, सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। तो इनका जो स्पाउस है ना, वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। बस इनकी लाइफ में एक ये प्रॉब्लम है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, कभी भी उससे रिलेशन खराब नहीं करते। ये पुष्य नक्षत्र वाले लोग कभी उसको छोड़ कर नहीं जाते, क्योंकि इनके अंदर ही नेचर ही नहीं है कि सामने वाला इनके लिए कुछ गलत सोचे, कुछ गलत बात करे या ऐसा बोले कि भाई आपसे मैरिज नहीं निभाई गई, इस टाइप की चीजें ये नहीं करते। क्योंकि गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पूरी पॉजिटिव ऊर्जा लिए हुए, और वो कभी नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई ब्लेम लगे या कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। तो ये एक तरफा अपनी तरफ से ही बस प्रयास करते रहते हैं और जितना जितना चाहे मैरिज को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन उस मैरिज में प्रसन्नता नाम की इनके साथ कोई भी चीज नहीं होती, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब इनको शादी किस नक्षत्र वाले लोगों से करनी चाहिए, देखिए, अगर अश्विन नक्षत्र का, पहली वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, अगर अश्विन नक्षत्र का कोई लड़का मिलता है या कोई लड़की मिलती है तो इन लोगों को उससे शादी करनी चाहिए। शादी इनकी थोड़ा देर से होती है, क्योंकि शनि का भी इसके अंदर रोल आ जाता है। पूरी लाइफ इमोशनल होती है, छोटी छोटी बातों पर ये लोग नाराज हो जाते हैं। बात इनकी ठीक होती है, लेकिन क्या होता है कि जब आप अपना कुछ समय घर को ना देकर परोपकार में देंगे या बाहर के कार्यों में देंगे, तो इससे भी मैरिज थोड़ा डिस्टर्ब होती है। अब ये तो इनका स्वभाव है, इनके ऊपर लोग क्या करते हैं, इनका शोषण भी कर देते हैं। इनके ऊपर कार्य छोड़ा और चले गए, वो अपने आराम से मौज ले रहे हैं और ये बेचारे काम कर रहे हैं। तो ये नक्षत्र की ये ऊर्जा है। अब हम लोग बात करेंगे इनके करियर की। तो देखिए, जैसा सिंबल है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, गाय के थन। तो अगर ये डेयरी उत्पाद से या गाय के दूध या जिस तरीके से डेयरी उत्पाद से जुड़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, राय बहुत अच्छी देते हैं, गुरु बृहस्पति की पावर है, तो ये एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं और टीचिंग लाइन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट, चाहे ऑनलाइन क्लास दें, कुछ भी दें, तो इस तरीके के ये काम इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी बात,
अगर ये लोग बृहस्पति की चीज, जैसे अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो या आप ज्वेलर हो, इस टाइप की चीजें भी इनके साथ अच्छी हैं, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं। ये चीज आप नोट कीजिए, बिजनेस के लिए मैं इनको राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर ये अपने लिए खरीदते हैं ये बहुत अच्छा है। जॉब के सेक्टर इनके इसी प्रकार के होते हैं। अच्छा, समुद्र की चीजों का भी इनके साथ एक रिलेशन होता है। सॉरी। तो अगर आप लोग ये देखते हैं कि समुद्र से जुड़े हुए उत्पादों का भी ये अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, इस तरीके का इनका करियर है। लेकिन करियर में सबसे बड़ी बाधा क्या है? पैसे की। इनके पास पैसे की तंगी रहती है। आप इस बात को समझ के चलिए, चाहे नक्षत्रों का राजा कह लो आप पुष्य नक्षत्र को, लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन पे जाते हो तो पुष्य नक्षत्र वाले लोग पैसे की भी तंगी रहेंगे, सब चीजों से तंग ही परेशान रहते हैं। ये बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि आज की डेट में इन लोगों को बहुत जल्दी लोग बेवकूफ बना देते हैं। उसका रीजन क्या है? अपनी बात कहते नहीं, दूसरे का काम करते रहते हैं। तो ये बड़ी समस्या वाली बातचीत है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू कीजिए। और आसानी से ये लोग पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि इनके पास पैसा गिना चुना होता है। अब जब ये धीरे 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 आगे बढ़ते हैं तब तो ये पैसे को कमाते हैं और खुद ही कमाना शुरू करते हैं। आप ये समझिए कि आपकी मैरिज लाइफ में भी आपका जो स्पाउस है वो आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं करता। अब आते हैं मनी के ऊपर, तो ये वही चीज है कि जब जो कुछ करना है आप ही को करना है। अच्छी एडवाइस दीजिए, पैसा कमाइए, अच्छे टीचर बनिए, अच्छी अच्छी क्लासेस दीजिए। तो ये जो आप अपने कंधों पर जो कार्य लेंगे वो तो पूरा करते ही करते हैं, उसी तरीके से आपका मनी का फ्लो धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो इस तरीके की कोई बातचीत मैं आपसे यह नहीं कर रहा। जितनी मेहनत उतना पैसा, बस सीधी बात यह है। अब बात करेंगे, आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय खर्च किया, पूरी तरीके से पुष्य नक्षत्र को बताने के लिए मैंने आपको एक प्रयास किया कि आपके समक्ष ये पुष्य नक्षत्र की पूरी एनर्जी रख सकूं। पुष्य नक्षत्र की एनर्जी आपके समक्ष रखी, उसका मेन ध्येय यह है कि जो पुष्य नक्षत्र वाले लोग हैं अगर परेशान है तो उसको टिप मिल गया होगा कि उनको सारी मेहनत खुद करनी है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपनी हेल्थ अपने ऊपर भी ध्यान देना है। इतना आप लोगों ने मेरे के साथ समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।